क्या आप दुखी हो? आपके जिंदगी में, आपके जीवन में दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं, हैप्पीनेस तो है ही नहीं। आप हमेशा उदास रहते हो, कुछ काम करने का मन करता नहीं है, क्योंकि कभी इस वजह से दुखी हो, कभी उस वजह से दुखी हो, यानी कि सुख तो है ही नहीं, दुख ही दुख है। अब क्योंकि आप निराश रहते हो, दुखी रहते हो, तो आपका कुछ काम करने का मन भी नहीं करता, प्रोग्रेस भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप दुखी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये दुख का कारण क्या क्या है, आप किस तरह से इस दुख को दूर कर सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर में आता है वो होता है मैं, मतलब कि मैं, मेरा ईगो, मेरे साथ ऐसा किया उसने, मुझे ऐसा कहा, मुझे कमजोर समझा, मेरी बात नहीं मानी, मैं। जब हम अपने मैं को शांत नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, यानी कि कोई भी चीज मेरी चाह से ना होना, मेरी मर्जी से ना होना मुझे दुखी कर देती। मैं चाहता हूं कि कोई शख्स मेरा हो जाए लेकिन वो मेरा नहीं हो पाता क्योंकि वो किसी और का है, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि वो मेरा क्यों नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। मैं से जितना दूर हो सकता है उतना दूर चले जाओ, ईगो को जितना दूर रख सकते हो उतना दूर कर दो, ये ईगो एक दिन आपको बर्बाद कर देगी। देखो, कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेंपरेरी है, आप खुद भी परमानेंट नहीं है, आज है और कल को, समझ रहे हैं ना। तो जब आप खुद भी परमानेंट नहीं है तो क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई परमानेंट रहेगा। आज है, कल को नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, आज आपकी है, कल को आपकी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी, या आज किसी और की चीज है, कल को आपकी हो जाएगी, तो हक क्यों जताना, मैं क्यों करना। शायद कोई चीज आपकी कभी रही हो लेकिन आज नहीं है, तो फाइन, एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को। शायद आज भी है लेकिन कल को ना रहे, तो इससे डरते क्यों हो। जिंदगी में बदलाव का अलग ही मजा है। देखो कितनी अजीब बात है ना, कि हम बदलाव चाहते भी नहीं है लेकिन अगर बदलता कुछ है नहीं और सेम रहता है तो हमें दुख भी होता है, हमें मजा भी नहीं आता। सोचो कि अगर मैं तुम्हें एक हफ्ते तक तुम्हारी फेवरेट डिश जो कि बहुत ही आपको यम लगती है उसको आपको एक हफ्ते तक लगातार खिलाऊं तो आप बोर हो जाओगे, आपका खाने का मन नहीं करेगा। सेम चीज अगर मैं आपको एक ही गाना जो कि आपका फेवरेट है बेशक उसको बार बार सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। यानी कि कोई भी चीज हमें बदलती ना लगे तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बदल जाती है तो हमें दुख भी होता है। किसी इंसान का बदलना या कोई इंसान आपके पास कभी था लेकिन आज नहीं है उसका बदलना तो आपको दुखी कर देता है। आप इस चीज को माने कि ये जिंदगी ना बस बदलती रहती है, जो समय का पहिया है वो बदलता रहता है। आज बेशक आपके हक में है लेकिन कल को किसी और के हक में होगा, या आज किसी और के हक में है कल को आपके हक में होगा, तो ये पहिया है, चलता रहता है जी। तो जब भी आपके पास कोई चीज हो तो उस पे कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज आज है कल को नहीं रहेगी। और अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, उम्मीद रखिए कि एक दिन ये मेरी चीज जरूर होगी। और अगर आपके पास कोई चीज कभी थी लेकिन आज नहीं है तो फैक्ट को एक्सेप्ट करिए कि जिंदगी बदलती रहती है, समय का पहिया चलता रहता है, कल को आपकी थी आज किसी और की है, कल को कोई और होगी जो कि किसी और की थी वो आपकी हो जाएगी। तो बदलाव का मजा लीजिए, जिंदगी इसी का नाम है, चीजें बदलती रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। हाँ, हमें थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है, सिचुएशन जैसी होती है, जैसा देश वैसा भेष, हमें करना पड़ता है। तो बिछड़ने का दुख, बिछड़ना जाए इसका डर, यही निराशा के कारण होते हैं, यही दुख का कारण होता है। जिस दिन आप ये डर और जिस दिन आप ये निराशा हटा देंगे ना, उस दिन आप ये समझ जाएंगे कि भाई दुख तो है ही नहीं। और मैं कहता हूं दुख को एंजॉय करिए, दुख भी एक पार्ट है। जैसे कि होता है ना, मीठा खाते रहते हो तो हमें कुछ तीखा खाने का मन करता है, तो तीखा खाइए, फिर आपको मीठा खाने का मन करेगा, तो ये मीठा तीखा लगा रहता है जिंदगी में, तो एंजॉय करिए। और अगर ज्यादा एंजॉय करना है तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा ताकि मुझे भी खुशी मिले। तो आप मुझे भी खुश करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और थोड़ा और भी खुश हो सकता हूं अगर इस वीडियो को शेयर कर दें, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने खास दोस्तों में, जो कि आपके मेन अच्छे अच्छे दोस्त हैं उनको शेयर करिए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, arpit_love_gems हमारी आईडी है, ताकि और भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको वहां पर बता पाऊं और आपके टॉपिक पे वीडियो बना पाऊं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे, ताकि मेरा भी फायदा हो पाए और आपका भी हो पाए।